इस भयंकर गर्मी में गर्मी से राहत पाने के लिए हम कई तरह के कोल्ड ड्रिंक्स और शरबत तो बनाते ही हैं, तो चलिए आज कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान हो और इसी के साथ इसकी रेसिपी बहुत ही आसान। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सौंफ का शरबत बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले हम इसका प्रीमिक्स बनाएंगे और इस प्रीमिक्स को बनाकर आप इसे कई महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। और इस प्रीमिक्स का इस्तेमाल करके आप शरबत कैसे बनाएं उसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस शरबत के अपने कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये ठंडक तो देता ही है, इसी के साथ डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शरबत के लिए प्रीमिक्स बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम सौंफ ली है। सौंफ को हमने आधे घंटे के लिए धूप में फैला दिया था ताकि इसका सारा मॉइस्चर ड्राई हो जाए। अगर आप इसे धूप में ना रखना चाहें तो पंखे के नीचे एक घंटे तक फैला दें, लेकिन आप इसे सेकिएगा मत। सेकने से इसका अरोमा कम हो जाएगा और शरबत में इसका बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसका मॉइस्चर ड्राई करने के लिए या तो इसे पंखे के नीचे रख दें या तो फिर धूप में रख दें। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 200 ग्राम मिश्री ली है। जितनी हम सौंफ लेंगे उसकी 4 गुना ज़्यादा हमें मिश्री लेनी है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हेल्दी शरबत बना रहे हैं तो आप मिश्री लेंगे तो बेहतर रहेगा। और हमें 5 से 6 हरी इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 2 टीस्पून खसखस लेनी है। तो हमने जो सौंफ ली थी उसे हमने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसी के साथ हमने जो मिश्री ली है उसमें से हम थोड़ी सी क्वांटिटी अभी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सौंफ और मिश्री को अच्छे से पीस लिया है और अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। तो इसे छानने के बाद इसमें जो पार्टिकल्स बचे हैं उसे हमें फिर से मिक्सी के जार में ऐड कर देना है और हम इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। और इसे ग्राइंड करते वक्त हमने जो मिश्री बाकी रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ हमने जो इलायची, काली मिर्च और खसखस ली है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो एक बार फिर हमने इसे अच्छे से पीस लिया है और हम इसे छान लेंगे। तो इस प्रीमिक्स में हमने हरी इलायची की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो प्रीमिक्स बनाया है आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रख कर कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। और अब इसमें से शरबत बनाएंगे। तो एक गिलास में हमें इस तरह से चम्मच को ऊपर तक भर कर प्रीमिक्स ले लेना है। तो एक बड़ा चम्मच पूरा हमने ऊपर तक भर कर एक ग्लास में ऐड कर दिया और इसी तरह दूसरे ग्लास में भी ऐड कर देंगे। तो आप इस शरबत को दूध या फिर पानी में बना सकते हैं, हम आपको दोनों तरह से शरबत बनाकर बताएंगे। तो एक ग्लास में हमने ठंडा और कच्चा दूध ऐड किया है, आप यहाँ पर बॉईल करके ठंडा किया हुआ दूध भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ दूसरे ग्लास में हमने पानी ऐड कर दिया और अब हम इसमें आइस क्यूब्स ऐड करके इसे मिला लेंगे। तो देखा आपने कैसे झटपट हमने इसका प्रीमिक्स बना लिया। और जब भी शरबत बनाने को दिल चाहे तो एक ग्लास दूध या फिर पानी में थोड़ा सा प्रीमिक्स घोल लें और आपका ये शरबत बनकर तैयार है। हेल्दी, टेस्टी और गर्मी से राहत देने वाले ये शरबत की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।